दोस्तों हमने यहाँ पर ले लिया अपना टिन का कैन, नहीं दोस्तों टिन का बॉक्स। तो दोस्तों ये टिन का बॉक्स है और हमने आपसे पहले ही कुछ काम कर लिए हैं जो कटिंग वटिंग के थे, क्योंकि दोस्तों वीडियो छोटी ही बनती इसलिए हमने कटिंग पहले ही कर ली। तो दोस्तों हमने कटिंग की है, आप देख सकते हैं कूलर की दोस्तों सिंपल कटिंग है, और आप भी जानते होंगे कि कूलर की कटिंग कैसे होती है। हमने दोस्तों बिल्कुल सिंपल तरीके से अपनी आरी से ही काटा है दोस्तों, कोई भी हमने मोटर वगैरह या फिर कटिंग मशीन यूज़ नहीं की है, हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से अपना इस कूलर को काट लिया है। हमने सबसे पहले तो काम किया है इन तीन जगह पर जो कि हमारी जो जालियों का काम आएगी वो है, और दोस्तों जो हवा फेंकने का सरफेस है वो यहाँ से है जो हमारे सर्कल में काट लिया हमने, और दोस्तों जो ऊपर का काम है यहाँ से पानी आएगा दोस्तों, ये जो सरफेस है ये पानी का है, इसमें पानी आएगा, और ये हमने तीन तीन होल हर एक जाली के ऊपर लगा कर लिए। और दोस्तों अब जो मेन काम है वो है इसको बनाना। तो दोस्तों मैं आपको सामान दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या लगने वाला है, तो चलिए दोस्तों मैं आपको सामान दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर हमने ले लिया अपना सामान, और दोस्तों सामान को एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों सामान है हमारा ये पंखड़ी है दोस्तों, जो हमने खुद बनाई है, और दोस्तों अगली वीडियो में हम आपको बना कर भी दिखा देंगे। और दोस्तों ये हमारी मोटर डीसी मोटर है दोस्तों, मतलब बैटरी से चलने वाली या चार्जर से ही चलेगी, और दोस्तों इसको इसमें लगा ले हम। और दोस्तों जो हमारा अगला सामान है वो है ये पंप है दोस्तों, ये वाटर पंप ये भी हमने खुद ही बनाया है। और दोस्तों ये कूलर होगा ऑटोमेटिक कूलर, तो ऑटोमेटिक इसको बनाने के लिए हमने ले ली है आरसी प्लेट, जो कि सिर्फ आरसी कार्स में आती है, रिमोट कंट्रोल कार्स में। और दोस्तों ये हमने ले ली है सिंगल मोटर की है दोस्तों, इससे एक ही मोटर चल पाएगी, तो ऑटोमेटिक बनाएंगे इस कूलर को। और दोस्तों ये है हमारा स्विच जो है पंप का स्विच लगाएंगे दोस्तों, ये जो हमने लगा यहाँ पर है, और इसको हम इसमें लगाएंगे। तो दोस्तों चलिए अपना कूलर को बनाना स्टार्ट करते हैं, और पहली अहम बात बता दूँ दोस्तों, मैं और मेरा भाई इस वीडियो में एक साथ काम कर रहे हैं, तो मेरा भाई थोड़ा हेल्प करेगा, और मतलब इस ये संभालेगा हवा देने वाला डिपार्टमेंट, और मैं संभालूंगा दोस्तों पंप वाला डिपार्टमेंट। तो चलिए दोस्तों अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर अपना काम शुरू कर दिया है, तो दोस्तों मेरा भाई सपोर्ट देगा जो हवा वाली मोटर होगी, और दोस्तों मैं संभालूंगा पंप का काम। तो दोस्तों मैं अपना पंप का काम कर देता हूँ, सबसे पहले मैं करूँगा स्विच, और मेरा भाई सपोर्ट का काम कर रहे हैं, तो चलिए मैं स्विच लगा देता हूँ। दोस्तों हमने यहाँ पर कटिंग बहुत अच्छी कर रखी है, तो ये बिल्कुल स्विच नहीं है, हमें कोई भी नट वट लगाने की जरूरत नहीं है। तो वो जो हमारा अगला काम है वो है दोस्तों, इसमें ये मैं पंप है इसमें लगा रहा हूँ, तो चलिए देखिए दोस्तों। दोस्तों मैंने यहाँ पर अपनी वो लगा दी है वाटर पंप, तो देखिए दोस्तों आप बिल्कुल देख सकते हैं इसमें ये पाइप है, इससे कनेक्ट है, और दोस्तों ऊपर ये खोल किया था जो हमने, जिससे ये ऊपर पानी जा सके। तो दोस्तों मैंने अपना ये काम कर लिया है, और मेरा भाई अब उसको अंजाम देगा जो हवा है। तो चलिए दोस्तों अब मेरा भाई उसको फिट करने लग रहा है, तब तक के लिए देखते रहिए हमारी वीडियो। तो दोस्तों देखिए इसने ये फिट कर दी है मोटर हमारी, और देखिए दोस्तों बिल्कुल अच्छे से हवा दे रही है, देखिए दोस्तों कितनी दूर हवा दे रही है, देखिए दोस्तों बिल्कुल बढ़िया हवा दे रही है दोस्तों, देखिए आप देखिए मोटर हमारे उड़ रहे हैं, देखिए दोस्तों बिल्कुल अच्छे से। और दोस्तों अब हमें ये फिट करना है इसमें, तो चलिए दोस्तों इसको इसमें फिट कर दिए। तो दोस्तों देखिए हमने मतलब भाई ने इसको फिट कर लिया है, और मैंने पंप को फिट कर लिया है। और दोस्तों अब आप इसकी टेस्टिंग की बारी है, तो देखिए दोस्तों करते हैं हमने अपनी पर। तो देखिए दोस्तों ये हमारा पंखा चल चुका है, और देखिए दोस्तों अपना पंप ऑन करने की आवाज़ आप देख सकते हैं, तो देखिए दोस्तों अपने पंप की आवाज़ देखिए दोस्तों आप बिल्कुल देख सकते हैं अपने पंप की आवाज़, और अलग ही दिख रही होगी आपको, देखिए दोस्तों बिल्कुल साफ दिख रहा होगा क्योंकि दूर तक हवा फेंक रहा है। तो चलिए दोस्तों अब आपसे मिलते हैं इसकी जालियों को लगाकर, तो चलिए दोस्तों
तो देखिए ना, हमने यहाँ पर अपनी जालियाँ फिट कर ली हैं और आपको बता देता हूँ एक बार जाली हमने कैसे बनाई थी। दोस्तों जाली हमने देसी जुगाड़ से बनाई थी, हमने डंडी में बनाई थी। देखिए दोस्तों ये जालियाँ देखिए दोस्तों बिल्कुल लकड़ी से बनी हुई है और इसको हमने तारों से बांध लिया है और ऐसे करके हमने इसमें लगा दी है। और दोस्तों ये जो जालियों के अंदर ये है, ये कूलर के अंदर आता था और हमने पुरानी जालियों से निकाल कर इसमें लगा दिया है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, दो साइड में तो लगा दिया है और एक साइड के लिए हमने ये इसलिए नहीं लगाया क्योंकि आपको ये हमें दिखाना था। तो चलिए दोस्तों हमारी तीसरी साइड जो है, देखिए दोस्तों तीसरी साइड ये है, इसमें लगाना और बाकी दोस्तों इसमें फिट करके जाली को इसमें लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों लगाते हैं अपनी जाली को और फिर दोस्तों एक काम और रह जाएगा हमारा जो कि होगा इसमें ऑटोमेटिक काम करने का, यानी प्लेट फिट करने का। तो देखिए दोस्तों आप देख ही सकते हैं कि हमारा कूलर बनकर रेडी हो चुका है। दोस्तों ये पूरा अच्छे से हमने रेडी कर लिया है। देखिए हमारी जालियाँ भी पूरी हो चुकी हैं और ये जो है ऑटोमेटिक चीज़ है, मतलब जो इसको ऑटोमेटिक रिमोट कंट्रोल बनाएगा। तो देखिए दोस्तों अब इसको चलाकर दिखाता हूँ मैं। तो चलिए दोस्तों चलाकर दिखाते हैं इसको। दोस्तों चलिए इसमें अपना पानी डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने इसमें तीन मग पानी डाल दिया है और चलिए अब इसको स्टार्ट कर दें। तो दोस्तों अंदर है हमारी पंप पानी की और दोस्तों बाहर है हमारी मोटर हवा देने वाली। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों अपना पंप को स्टार्ट कर देते हैं सबसे पहले। तो लीजिए दोस्तों हमारा पंप स्टार्ट हो चुका है और देख सकते हैं आप, देखिए पानी आना भी स्टार्ट हो चुका है। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो हम इसको मतलब जालियों को ठंडा होने देते हैं पानी से और फिर हम चलाएंगे अपना कूलर। दोस्तों जो हमारा पंप है वो है मैनुअल और जो हमारी हवा देने वाली चीज़ है वो है ऑटोमेटिक। तो दोस्तों देखिए अब यहाँ पर पानी जाना स्टार्ट हो चुका है। देखिए दोस्तों अंदर यहाँ तक देखिए दोस्तों पानी आना चालू हो चुका है। देखिए यहाँ पर हमारी जालियाँ भीगनी स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। और देखिए दोस्तों यहाँ पर अभी यहाँ पर नहीं पहुँच पाया पानी दोस्तों इस साइड में, पर जल्दी पहुँच जाएगा। तो देखिए अब इसको थोड़ा सा और पानी का प्रेशर थोड़ा कम है क्योंकि दोस्तों एक ही चार्जर से ये दोनों चीज़ चलेंगी, पर हम आप चाहे तो इसको बैटरी से भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों इसमें। तो चलिए इस कूलर को चलाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये है हमारा रिमोट, यहाँ पर हमने खुद बनाया, मतलब बनाया नहीं है दोस्तों, ये RC प्लेट वो है रिमोट कंट्रोल। और दोस्तों ये है हमारी बैटरी जिससे हमने इसको कनेक्ट कर दिया। तो देखिए दोस्तों अब इसका कम, ये देखिए दोस्तों ये मैंने दबाया चलने लगा दोस्तों, मेरे तक बिल्कुल है ना यहाँ तक मेरे तक हवा आ रही है इसकी। और दोस्तों ठंडी हवा आ रही है, आप पूछिए मत। देखिए दोस्तों देखिए मैं रिमोट दबाऊंगा और ये चलेगा। देखिए दोस्तों ये देखिए अब की बार चल गया दोस्तों, ये बिल्कुल काम कर रहा है हमारा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही रहेगा।